ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट्स में खैर पूरी तरह से आज एक अच्छा स्ट्रेंथ बनी हुई है, ऑलमोस्ट हाई पे है, ये आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। जीएसटी की बैठक चल रही है, लेकिन इसी बीच हाइपर सिटी की एक डील होगी जो कि जी बिजनेस ने सबसे पहले आपको बताई थी, 655 करोड़ रुपए में डील हुई है। ये डील तो कंप्लीट होगी, शेयर्स पे रिएक्शन भी आ गया, लेकिन अब निवेशक क्या चाहते हैं? निवेशक ये जानना चाहते होंगे कि आगे की योजना क्या है। किशोर बयानी जो कि सीईओ है फ्यूचर ग्रुप के, साथ ही श्रीखंडे जो कि एमडी हैं शॉपर स्टॉप के गोविंद श्रीखंडे, उन दोनों का व्यू क्या है, वो क्या रणनीति आगे की सोच रहे हैं, अनुराग शाह ने उनसे एक एक्सक्लूसिव बातचीत की, जरा सुनिए। यही समझना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रही, क्या एक उद्देश्य है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा नीलगिरी, भारतीय रिटेल, फिर बिग एप्पल और उसके बाद ये। आई थिंक रिटेल में एक हमेशा एक दौर आता है जब कंसोलिडेशन का होता है कि कुछ लोग, ये जितना बिजनेस बड़ा होता है रिटेल में उतना उसका फायदेमंद होता है, बिकॉज कॉस्ट इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सभी लोग अपनी बिजनेस की एक मॉडल बना लेते हैं, जिस आपने एक पोर्टफोलियो बनाया था और एक आपका कुछ पोर्टफोलियो के कुछ चीज़ें चलती है, कुछ चीज़ें आप एग्जिट कर जाते हैं क्योंकि कंसोलिडेशन में उसको ज़्यादा फायदा होता है। तो मैं समझता हूँ रिटेल में एक ऐसा दौर आया है जो कि एक कंसोलिडेशन का मौका मिल रहा है, और हम लोग अदर साइड में हैं क्योंकि हम लोग एक्वायरर हैं कुछ फॉर्मेट्स के। तो एक कंसोलिडेशन होता है तो उसमें सामने वाले को भी फायदा है, हम लोग को भी फायदा है कि आपको आज 0 से 1300 करोड़ का बिजनेस बनाना है उसको बहुत समय लगता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से कंसोलिडेशन का फायदा होगा, तो ये आपके लिए किस तरह से फायदे का सौदा है? दो चीज़ें हैं, हमारा जो ये फॉर्मेट 10 साल से हम चला रहे हैं हाइपर सिटी, और स्टोर लेवल पे इबिटा पॉजिटिव है, लेकिन कंपनी लेवल पे इबिटा आने के लिए और 1 साल लगेगा, और मैं मानता हूँ कि और उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमको करीबन 3 से 4 साल और लगते, और उसको एक स्केल पे लेके जाने के लिए और ज़्यादा राशि लगानी पड़ती और ज़्यादा साल लगते। उससे अच्छा यह है कि अगर हम आज ही कंसोलिडेट करें तो एक प्रॉफिटेबल वेंचर जिनके पास स्केल है विच इज़ बिग बाज़ार, उनके पास कुछ और फॉर्मूलाज हैं जैसे बिग फैशन एट बिग बाज़ार, जिसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ जाए, और उनके और हमारे कोलैबोरेशन से प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाए, तो प्रॉफिटेबिलिटी जो हम 4 साल में सोच रहे हैं वो 1 साल के अंदर आ सकती है। तो कंसोलिडेशन का ये डेफिनेट फायदा है कि ये कोलैबोरेशन और कंसोलिडेशन से प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी। सर, तो इसके बाद सर जो ब्रांडिंग है, फिर स्टोर्स के जो प्रारूप है वो कितने बदलेंगे और क्या क्या परिवर्तन होगा आगे चल के? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि स्टोर का लोकेशन तो बदल नहीं सकता है। यस सर, इनका फूड का जो मॉडल है बहुत स्ट्रांग है, हम लोग शायद कुछ सीखेंगे, वेट्रोस करके इनके पास ब्रांड है, इनके पास स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट पे, साइकिल्स पे इनका बिजनेस काफ़ी बड़ा है जो हम लोग नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें हम इनसे सीख रहे हैं, कुछ चीज़ें हमारी जो अच्छी है जो फैशन एंड बिग बाज़ार है वो हम दुकानों में लेके आएंगे, हमारे खुद के ब्रांड्स है वो दुकानों में लाएंगे, हम लोगों को जो मार्जिन मिलती है बिकॉज ऑफ आवर स्केल्स ऑन विद एफएमसीजी कंपनीज वो इस दुकानों में जुड़ती है, ये सबका मिशन होता है। तो मैं समझता हूँ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मार्जिन बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, और ओवरऑल कॉस्ट फॉर द ग्रुप कम होता है। और सर, जैसे बहुत सारे जो स्टोर्स हैं जिस पे लैंड है, रियल एस्टेट जो है वो हाइपर सिटी का है, क्या इस डील के अंदर वो भी ट्रांसफर हुआ या वो अलग रहेगा? आई थिंक जो भी लीजेज हैं इनके पास में वो लीजेज हम लोगों को ट्रांसफर होती है इस डील में, एंड तो इट्स बिजनेस एज यूजुअल, नो चेंज हैपनिंग। और सर, इसके बाद अब कितना जो डेट है वो कितना कम हो जाएगा, और गोइंग फॉरवर्ड आप कितना अपना ईबिटा पे इम्प्रूवमेंट देखते हैं? सो 265 करोड़ का जो डेट हाइपर सिटी में बैठा है वो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, और शॉपर्स में जो 492 करोड़ का डेट है स्टैंड अलोन में वो करीबन 40% डाउन हो जाएगा अगले 2 क्वार्टर में। यस सर, और आपकी बैलेंस शीट पे सर कितना असर देखते हैं सर? मैं समझता हूँ वर्किंग कैपिटल डेट आउट ऑफ दिस 265 करोड़ होगा जो हमारी बुक्स में आएगा फ्यूचर रिटेल के, रेस्ट तो हम लोग इक्विपमेंट लीज पे लेते हैं, तो उसका कुछ फॉर्मूला और हमारे को उसके जो लीज रेंटल है वो लगेंगे। यस सर। सर, एक चीज़ और, जैसा वो फेस्टिव सीजन शुरुआत हो गई है और आपसे बातचीत करने का मौका कम ही मिलता है, तो ओवरऑल सेंटिमेंट अब कैसा लग रहा है आपको, डिमांड कैसी जो आपके स्टोर्स में पैन आउट हो रही है, वो एक गोइंग फॉरवर्ड आप कैसी ट्रेजेक्ट्री देख रहे हैं? तो हम लोग चर्चा कर रहे थे एज अ इंडस्ट्री लीडर, हम लोग भी बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो यही नोट शेयर कर रहे थे कि पूजा का सीज़न अच्छा गया है जो ईस्ट में है, हम लोगों का भी काफ़ी अच्छा गया, ये भी बता रहे हैं कि अच्छा गया सीज़न। ओनम का सीज़न हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा गया था केरला में, और दशहरा भी हाल ही हाल में आंध्रा में कंप्लीट हुआ, जहाँ पे भी हम लोगों ने हाई डबल डिजिट्स में ग्रोथ देखी है। तो ओवरऑल हम लोगों को लग रहा है कि फेस्टिवल में ग्रोथ है और ऑप्टिमिज्म है कस्टमर के दिमाग में, बट थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं, हम लोग क्रेडिट पे शॉपिंग ज़्यादा देख रहे हैं, कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो ग्रोथ हाई टीन्स में और उससे ज़्यादा है। यस सर,
सर आपसे आखिरी सवाल होगा, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ दिक्कत थोड़ी बहुत आ रही थी आपसे जुड़े जो कारोबारी है उनको, तो अब जिस तरह से सरकार भी कोशिश कर रही है चीज़ों को सरल करने में और रिटर्न फाइलिंग वगैरह में कुछ सहूलियत दे दी, तो आप मानेंगे इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा? एक सेंटिमेंट पॉजिटिव तो हो ही जाएगा डेफिनेटली, लेकिन जो जुलाई अगस्त में सप्लाई चेन में जो इम्पैक्ट आया था वो तो अभी सुधर नहीं सकता, जो आ गया आ गया, तो वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आगे चल के डेफिनेटली एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आ सकता है। ठीक है, तो स्टील से क्या होने वाला है, आगे चल के योजना क्या है, ये दोनों की मैनेजमेंट ने आपको क्लियर किया है। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त होगा, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर अंतिम बाजी को शुरू करेंगे। स्पेशली ध्यान होगा जीएसटी को लेकर कुछ खबर आती है वो कैसे आगे प्ले होगी, और साथ ही साथ बैंकिंग की परफॉर्मेंस कैसे रह सकती है। कल तो पुल बैक था, आज का बैंकिंग रियल टर्म में चलेगा, कुछ कैपिटल इन्फ्यूजन की बात बाजार में हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद अंतिम बाजी शुरू करते हैं।